तो 2-3 दिन पहले मैंने एक धुन पर काम किया, यू नो, धुन मतलब जैसे कि ओम जय जगदीश हरे, जय गंगे माता, वृंदावन में राधे राधे, ये सब जो ट्यून नहीं होती है उस टाइप का होता है। सारे फोन कॉल्स जो अपने होते हैं कंपोजर के साथ, इसके साथ वो हर एक चीज का जो है मैं थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड रखा हूँ, तो उनसे बातचीत करके जितनी मुझे परमिशन मिली है आपके साथ शेयर करने के लिए, वो मैं आज इस वीडियो में करने वाला हूँ। दिस इज अ कंप्लीट जर्नी ऑन हाउ द प्लानिंग हैपेंड, हाउ द रिकॉर्डिंग हैपेंड, किस तरीके से मिक्सिंग की गई, मास्टरिंग की गई, एंड द मोस्ट पार्ट इज दैट द एंटायर थिंग वाज डन विद इन 3 आवर्स, स्टार्टिंग से लेकर फिनिशिंग तक पूरा काम हो चुका था। तो आई होप यू विल एंजॉय द प्रोसेस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले शुरुआत इस तरीके से होती है कि मुझे एक कंपोजर से मुझे कॉल आती है कि भाई ये जो है ये हमें बनाना है तो तुम कर पाओगे कि नहीं, बहुत ही स्ट्रिक्ट डेडलाइन है। मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं। तो उस कॉल में उन्होंने मुझे ट्यून बताया कि भाई देखो ट्यून जो कुछ इस तरीके से होगी, वो कॉल मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनकर देखिए। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। बाय द वे कॉल बंगाली में हुई थी, बट आई एम ट्रांसलेटिंग इट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि बातचीत क्या चल रही है, ठीक है? ये तो रिकॉर्ड कौन दे बारिश? हम जिधर गए दीच्छे, हमारे रिकॉर्ड चलानो आज। अच्छा तो चल चल तो रिकॉर्ड अपन घोड़ा आज है, ये बट वही भाभी गए थे। छुट्टा भी गए दीजिए, रिकॉर्ड होएगा चाहे उधर सुने ले। ठीक है फाइन। सो दिस वॉज द इनिशियल थिंग। इसके बाद मैंने बोला कि मुझे टेम्पो चाहिए एग्जैक्टली, कि क्या टेम्पो में आप करने वाले, आपके गाने का लय क्या होगा। देन ही सेंट मी अ रिकॉर्डिंग जो उन्होंने हारमोनियम पर करके रखा था, एंड उन्होंने कहा था कि इस टेम्पो में जो इस गाने को सेट करना है। सो ये मेरे पास पहुंच गया एंड आई स्टार्टेड माई प्रोजेक्ट। सबसे पहले हमको टेम्पो डिटरमाइन करना था, तो उसके लिए मैं जो कीबोर्ड यूज करता हूँ कैशियो 8000 IN, इस पर एक बटन दिया छोटा सा, इनफैक्ट सारे कीबोर्ड्स में ही होता है, टैप टेम्पो करके। तो अगर उस टैप टेम्पो बटन को अगर आप 1, 2, 3, 4 अगर आप 4 बार दबाएंगे, तो अपने जिस स्पीड से दबाया उसको, तो वो देखकर वो कैलकुलेट करके आपको टेम्पो बता देगा कि लगभग टेम्पो क्या है। तो मैं जब वो हारमोनियम वाला पीस सुन रहा था, मैं उसको ऐसे दबाया, तो मुझे पता चला कि ये गाने का जो टेम्पो है वो 77 BPM में आ रहा है। नाउ आई हैड टू मेक द म्यूजिक ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। अब मुझे बोला गया था कि इसका जो है स्टार्टिंग में एक थोड़ी सी छोटी सी म्यूजिक पीस चाहिए, बहुत ही छोटी सी, एंड उसके बाद जो ये रिपीटेशन में ये बजता रहेगा। दूसरी चीज मैंने ये पूछी कि भाई आपको जो बीट्स चाहिए होगी इसमें, वो बीट्स आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जैसे तबला ढोलक जो एक चलता है वो वाला आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर आप वेस्टर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो। दे टोल्ड मी दे वांट टू गो फॉर तबला ढोलक का जो बीट होती है वैसी उनको बीट चाहिए। कूल। सो नाउ आई हैड ऑल द इन्फॉर्मेशन विथ माई सेल्फ, मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई थी जिसने मुझे चाहिए थी, एंड अब मैं जो है मैं काम स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी था। तो आई केम अप विद अ ट्यून फॉर द इनिशियल पीस। उसके बाद मुझे मेन बीट इसकी डिजाइन करनी थी। मैंने इसका जो इंटरनल लूप्स जो होते हैं ना, जो कीबोर्ड में बने हुए हैं मेरे 8000 IN में, मैंने उनको रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद उनमें मैंने थोड़े से चेंजेस किए, इट इज नॉट द एग्जैक्ट लूप जो इसमें है, थोड़े से कट छट के मैंने उसको इधर उधर करके एक नया लूप मैंने क्रिएट किया, एंड उनको मर्ज करके एक मुझे फैट बीट साउंड मिली, जो कि एकदम टिपिकल भजनिश, जो आपको लगे कि ओरिजिनल ढोलक बजाया गया है। अब वो होने के बाद मैंने कॉर्ड्स बजा दिए इस गाने में, जो भी कॉर्ड्स लग रहे थे एफ मेजर स्केल के अंदर ये गाना घूम रहा है, तो एफ मेजर, ए शार्प मेजर, ये सब जो कॉर्ड्स होते हैं जो एफ मेजर के अंदर आते हैं, तो दैट वाज डन ऑफ एंड आई सेंट इट, इट वाज ओकेड इन 2 रिविजन्स रात के अराउंड 1:30 बजे के आसपास, दैट वाज डन। देन वी वेंट फॉर द रिकॉर्डिंग द नेक्स्ट इन द आफ्टरनून। कोरस में वो लोग लेने का सोच रहे थे, कोरस में हमने रिकॉर्ड लिया ही नहीं। वी वेंट फॉर ओनली इंडिविजुअल रिकॉर्डिंग्स, क्योंकि अपने पास टाइम का बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस थी। अब उन वॉइस को जो है मैं वहीं से मैंने खुद को मेल करवा लिया, एंड आई केम हियर एंड अगेन आई सैट फॉर वर्किंग ऑन द मिक्सिंग पार्ट। अब उनमें से 3 लड़की की वॉइस थी, यानी कि फीमेल वॉइस थी, 2 मेल वॉइस थी। अब उन फीमेल वॉइस को एंड मेल वॉइस को हमने पैनिंग पे सेट किया, जैसे कि एक फीमेल सेंटर में हो रहा है, एकदम लेफ्ट ईयर में मैक्सिमम लाइक 70% टू द लेफ्ट एक फीमेल साउंड, 75% टू द राइट ईयर और एक फीमेल साउंड, मैंने शायद लेफ्ट राइट उल्टा दिखाया, और जो मेल साउंड थे उसको थोड़ा सा लाइक अराउंड 20-25% लेफ्ट एंड राइट करके उसको पैन किया गया सेंटर में एक फीमेल साउंड। तो ऐसा करके इनकी जो आवाजें हैं उनको इस तरीके से बिठाया गया एज इफ की
रियल लाइफ में वो ऐसे अलग अलग तरीके से ऐसे खड़े होकर गाना गा रहे हैं, ऐसा लगेगा वो साउंड सुनने में। मतलब ये सारी वॉल्यूम बैलेंसिंग, ये सारे काम जो है मिक्सिंग फेज में मेरे हो गए, बट उनको एक काइंड ऑफ एक साथ जो एकदम जोड़ देना है ना, वो जोड़ने के लिए मास्टरिंग चैनल पर काम किया जाता है। उसकी इक्विलाइजेशन पे थोड़ा सा काम किया, उसको थोड़ा सा बैलेंस आउट किया, एंड वंस दैट वाज डन ऑफ, इट वाज कम्प्लीटली डन ऑफ। उसके बाद वो चीज जाती है एंड वंस अगेन इट वेंट टू 3 divisions, 3 बार रिवीजन हुआ उसका, 3 divisions के बाद वो ओके हो गया एंड इट वाज डन ऑफ। सो 3 घंटे के काम में दिस थिंग वाज रिलीज्ड एंड इट वाज रियली गुड, यू नो। नाउ वंस अगेन इसका कंपोजिशन मैंने खुद नहीं किया था, ऑब्वियसली दिस वाज कंपोज्ड बाय समवन एल्स, एंड ये जो समवन है ना, ये भाई मैं क्या बताऊँ आपको, दिस पर्सन इज 73 years old एक्चुअली, ये बहुत एजेड है एंड ही हैज़ गॉट एल्बम्स विद टी सीरीज, Gaana.com में ये सब जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है ना, यहाँ पे इनका एल्बम पड़ा हुआ है, राइट? दैट वॉज अ फैंटास्टिक दिस थिंग टू वर्क विथ हिम। तो इफ़ यू आर स्टिल स्टिकिंग टिल दिस पॉइंट, अगर आप अभी तक हो इस वीडियो में, तो मैं श्योर हूँ कि आपको ये जर्नी अच्छी लगी होगी मेरी। तो इस तरीके से मैं म्यूजिक बनाते रहता हूँ, ये सब करते रहता हूँ, मैं आगे भी कभी कभार चल के आपके साथ ऐसे जर्नियाँ शेयर करूँगा। एंड इफ़ यू थिंक दैट यू विल बी इंटरेस्टेड इन नोइंग दोज, तो फिर नीचे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट पर लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई आप जो हैं आपको ये सही में जानने में दिलचस्पी थी, या फिर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, या फिर ऐसी वीडियो आगे भी अगर आई तो आप इसको पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग टिल द एंड, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।